नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा, तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसमें नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा, इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने बाय सेल लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स वो भी रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, वो भी आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसके अलावा मैंने लाइव निफ्टी बैंक निफ्टी कमोडिटी पेयर ट्रेडिंग सॉरी निफ्टी बैंक निफ्टी पेयर ट्रेडिंग का ऑप्शन का डेमो दिखाता हूँ, तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा। तो उसमें से आप लोगों को पता चल जाएगा मैं जो बाइसेल से लेवल एक्सेल शीट बना है तो वो कितना अच्छी तरह से काम करता है, और उसमें से आप लोग कॉल सर्विस ले सकता है उसमें मैंने गन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मेनली वोलेटिलिटी बेस्ड गन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसे मतलब गन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत सारा होता है, तो वोलेटिलिटी बेस्ड गन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आप लोग अपना सकता है मतलब सीख सकता है। मैंने आप लोग को मेरा जो गन हाउ टू मेक हाउ टू फाइंड मार्केट डायरेक्शन विथ गन डायनामिक गन लेवल्स वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। इसके अलावा बहुत सारा इम्पोर्टेंट वीडियोस का लिंक दिया हुआ है मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप लोग जरूर देखिए। और इसके अलावा आप लोग बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, पेयर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स इन इंटरडे, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक इन इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, ऑप्शन चेन, इसका ये भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट वीडियोस है जो कि आप लोगों को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये भी इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो और ये जो बाइसल सिग्नल का स्किनर बना है उसका कैसे स्किन करना है और कैसे इसको ट्रेड करना है, कैसे यूज़ करना है, वो भी आप लोग को लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें मैं पूरा फाइल शेयर करता हूँ, वो भी आप लोग फ्री ट्रायल के लिए जानो सो होकर देख सकता है। और उसके अलावा ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो भी आप लोग जरूर देख लीजिए। तो देखिए मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हूँ, मेरा नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक है, बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन आएगा, लेकिन आप लोग धीरज रख के देखिए, ये आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, इसमें आप लोग को मार्केट डायरेक्शन देखने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए मैंने पहले ये जो डेली निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हूँ, इसमें क्या इसमें देखिए पहले मैंने जो कैंडलस्टिक बना है डेली का बेसिस पे जो कैंडलस्टिक बना है उसमें क्या है, इसमें आप लोग को इधर थोड़ा सा देखने से प्रॉब्लम हो सकता है पूरा अच्छी तरह से, लेकिन इसका जो है इसका दोनों साइड में बॉडी एक बीच में बॉडी है, बीच में छोटा बॉडी है और दोनों साइड में दो लॉन्ग वीक है, तो इसका मतलब यह है कि इधर सेलिंग प्रेशर भी ज़्यादा है और बाइंग प्रेशर भी ज़्यादा है। इधर साइडवेज मोमेंटम दिखने के लिए मतलब ये साइडवेज मोमेंटम का एक दिखने के लिए मिलता है, ये स्पिनिंग टॉप बना है, ये स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडलस्टिक बना है ठीक है। और इधर से जो देखिए इधर से जो मल्टीपल कैंडलस्टिक जो बनता था इधर से कुछ ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न भी ये नीचे ब्रेक हो चुका है, और इधर जो फ्लैग पैटर्न जो इधर से बना था लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म का बेसिस पे मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोग बोले तो इधर देखिए इधर जो फ्लैग पैटर्न इधर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा तो इसका फ्लैग पैटर्न दिखेगा आप लोगों को, तो वो भी वो नीचे साइड में ब्रेक हो चुका है ठीक है। और ये जो ट्रेंड का अभी तक ये जो लाइन है 9100 ये इसका जो लाइन है ये इसका नीचे गया था लेकिन इसका नीचे सस्टेन नहीं कर पाया ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है चार्ट का सेटअप है वो भी आप लोगों को ट्रेनिंग में मैंने सिखाया जाएगा, चार्ट सेटअप आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एनीवे तो इसका नीचे अभी तक गया नहीं है, और ये जो ग्रीन चैनल का जो ग्रीन चैनल है इसका गया नहीं है, लेकिन ये जो रिग्रेशन लाइन ड्रॉ किया हूँ मैंने
इसका देखिए ऑलरेडी मतलब इसका नीचे ब्रेक हो चुका है और ऊपर से नीचे भी मैंने जो लाइन ड्रॉ किया हूँ इसका ऊपर का जो लेवल आएगा मतलब इसका ब्रेक होने के लिए इधर 9374 नहीं इस इधर जो इसका ऊपर जाने के लिए 9420 का ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है तो अभी देखता है आप लोग पूरा ध्यान से देखिए तो आप लोगों को ट्रेंड का भी पता चलेगा और इसका कौन सा लेवल पे आप लोगों को बाई या सेल करना है वो भी आप लोगों को रात में 22 के बाद मैंने बाई सेल लेवल भी दिखाऊंगा मैंने मेरा बाई सेल एक्सेल शीट से। ठीक है तो इसमें देखिए 9282 ये तो 9270 में क्लोजिंग दिया है 9282 के ऊपर इसका 9282 में इसका पिवट पॉइंट है मतलब रेजिस्टेंस मिलेगा इसका। उसके बाद ये 9374 तक जा सकता है उसके बाद ये 9491 500 594 में जा सकता है। ठीक है 9594 में जा सकता है 9542 दिख रहा है और 9634 तक 34 जा सकता है उसके ऊपर और भी जा सकता है। तो इतना देखते हैं अभी देखने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें इतना बड़ा मूवमेंट कुछ आने वाला नहीं है ऊपर साइड में या नीचे साइड में जल्दी से अभी। हाँ ठीक है वो जो इंडिया विक्स है उसका भी वैल्यू बढ़ गया है लेकिन कल से थोड़ा सा नीचे है वो मैंने बाद में डिस्कस करता हूँ। लेकिन इसका जो मेन लेवल है 9890 तक इसका शॉर्ट टर्म या मतलब 15 डेज या 30 डेज के हिसाब से रेजिस्टेंस आप लोग मान सकते हैं 9886 या 9890 तक। ठीक है मेरा तो बहुत इंटरप्शन हो रहा है दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं नेट पे। एनीवे तो अभी मैंने आप लोगों को दिखा देता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो आता है उसमें अंदर काम करना पड़ेगा। एनीवे बहुत नेट का बहुत प्रॉब्लम देता है इसके बाद इसका नीचे जो हाँ मैंने अभी सपोर्ट का बात करूँगा तो इसका पहले वाला सपोर्ट 9230 के आसपास मिलेगा 9230 का नीचे ये 9113 उसके बाद 9022 उसके बाद 8853। ठीक है और ये जो रेजिस्टेंस है 8830 का जा सकता है और इसका जो मैंने बोला था ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है ये डाउन ट्रेंड में अभी थोड़ा सा स्टील अप ट्रेंड में है ये जो चैनल का लेकिन ये ग्रीन चैनल का जब तक नहीं ब्रेक हो रहा है इसका ट्रेंड इसका अभी भी मैंने कह नहीं सकता कि इसका डाउन ट्रेंड बन गया है लेकिन अप ट्रेंड में ही है लेकिन इसका इमीडिएट जो ट्रेंड मतलब प्रोबेबिलिटी जो दिखता है चार्ट से तो ये डाउन साइड में इंडिकेट कर रहा है। ठीक है तो इसके ये देखिए इसका चैनल ब्रेक हो चुका है इसका ये जो उस ऊपर वाला जो जो ट्रेंड लाइन है जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो चुका है लेकिन इसका ट्रेंड लाइन इसका जो लास्ट वाला ट्रेंड लाइन ये ब्रेक नहीं ब्रेक हुआ है अभी तक। इसका 9100 का नीचे इसका क्लोजिंग आ जाएगा तो ये ब्रेक हो सकता है उसका बाद ये नीचे का ट्रेंड ले सकता है। ये 8830 इसका नेक्स्ट लेवल मिलेगा इसके बाद 8699 इसके बाद 8500। ठीक है उसके बाद मैंने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ इधर देखिए 8383 का बीच में और 9173 इसका ये बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था इसके बाद 9725 का लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपसाइड में और अपसाइड में 9725 उसके बाद 10277 उसके बाद 10960। ठीक है 10960 ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नीचे वाला जो लेवल्स है इधर 9173 का लेवल उसके बाद 8300
8387 का लेवल, उसके बाद 7386, उसके बाद 4113 ऐसे करके आ सकता है। उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का देखता हूँ। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी और नेट में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। बैंक निफ्टी, इसका भी चार्ट को सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त लगता है। इसका थोड़ा सा सेट होने दीजिए। लोग देख सकते हैं क्लियरली ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, यानी ये थोड़ा सा सेट होने दीजिए, इसका पूरा होने दीजिए। यानी इसके बाद तो मैं क्या करूँगा, इसका चैनल तो अभी भी ये थोड़ा थोड़ा करके घूम रहा है। ये चैनल आप लोग देख सकता है, ये जो लाल वाला, ग्रे बीच में ग्रे वाला, और ये जो ग्रीन वाला चैनल, ये पहले तो नीचे था, इसके बाद ऊपर घुमा था, उसके बाद नीचे इसके बाद थोड़ा सा अभी भी ये थोड़ा थोड़ा करके नीचे घूम रहा है। तो इसका ये ग्रीन चैनल का जब इसका नीचे क्लोजिंग देने लगेगा तो इसका बहुत ही नीचे आएगा। तो इसका जो बैंक निफ्टी का जो है, तो बैंक निफ्टी का जो दिख रहा है वो भी मैंने एक बार इसका एक मिनट इसका मैंने टाइमलाइन ड्रॉ कर लेता है, थोड़ा सा वक्त दीजिए। थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ा, ओहो नेट का चक्कर में ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसको इधर ही छोड़ना चाहता हूँ, तब ये जा रहा है। इसको इफेक्ट नहीं ले रहा है, ठीक हुआ है।
देखिए इसका भी लोअर चैनल ब्रेक हुआ है। मैंने थोड़ा सा ऊपर से भी एक चैनल को लगा लेता हूँ। थोड़ा सा रुका हुआ डाटा है, क्या करता है रुकता है ऐसे ही। तो देखिए दोस्तों इसका जो इधर भी इसका आप लोग देख सकते हैं इसका चैनल ब्रेक हो चुका है। वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब डिविएशन चैनल है। तो ठीक है, तो इसमें इसका तो ब्रेक, इसका जो लोअर वाला लाइन ये ब्रेक हो चुका है, ये ग्रीन वाला लाइन अभी तक ब्रेक नहीं हो चुका है, ये इंडिकेटर के अंदर है। तो इसमें ब्रेक हो चुका है और इसका जो क्रॉस, ये जो ऊपर से जो नीचे मैंने ड्रॉ किया है इसका जो चैनल ब्रेक है, इसका जो क्रॉसिंग है, इसका जो अपर साइड है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रेजिस्टेंस है। तो मैंने पहले देर ना करते हुए पहले आप लोगों को सपोर्ट इसका दिखा देता हूँ। 19,694 में तो ये क्लोजिंग दिया है। इसके ऊपर इसका जो दिख रहा है प्रॉब्लम करेगा तो बहुत मुश्किल होता है। इसका जो क्रॉसिंग है इसका एक आप लोग रेजिस्टेंस मान सकता है 19,795 या 19,800 के आसपास। ठीक है, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा ये 20,144। उसके बाद ये आएगा, क्या दोस्तों रुकिए, नेट में बहुत ही ये रिकॉर्ड करने के वक्त ये बहुत ही डिस्टर्ब होता है नेट। ये 19,569 के ऊपर इधर का थोड़ा सा दिख नहीं रहा है इसका। ठीक है, मैंने इधर का देख लेता हूँ। इसका जो आप लोग अपसाइड में देखता है 20,000 का मतलब 20,000 के ऊपर का जो लेवल है, 20,000 का लेवल ही आप लोग पकड़ सकते हैं। इसका 20,000 का लेवल इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद इसका जो रजिस्टेंस है 20,400, उसके बाद 20,579, उसके बाद 20,936। ठीक है, और इधर जो नीचे वाला लेवल है 20,569, उसके बाद 18,915, उसके बाद ये 18,660। ठीक है, उसके बाद इसका जो लेवल्स है बहुत ही नीचे है, और भी नीचे जा सकता है। और इसका ट्रेंड अप ट्रेंड है, और इधर लेवल्स इधर सॉरी इसका लेवल नीचे जाने का ट्रेंड प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। और बैंक निफ्टी का सॉरी मैंने फ्यूचर्स का भी लेवल्स दिखाऊंगा सॉरी फ्यूचर्स का लेवल्स दिखाऊंगा। नेट में इतना प्रॉब्लम होता है कि बहुत ही देखिए इसका बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का भी इधर से मैंने जो चैनल ड्रॉ किया है, ये जो चैनल का जो ड्रॉ किया है आप लोग मेनली ये
चला गया। एनीवे ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का जो लेवल्स है इसका तो अप ट्रेंड में दिखा रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर जाके एक बुलिश कैंडल दिया है, इसका ऊपर क्लोजिंग दिया है, इसका बीरल है बीरल है बीरल है बीरल है 19,832 का ऊपर ये ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी फ्यूचर। उसके बाद 19,900 है तक जा सकता है, उसके बाद 20,073, उसके बाद 20,253, ठीक है, उसके बाद 20,591, इसका नीचे जो का जो लेवल है 20,169 के नीचे नीचे आने वाला है, ठीक है, ये आप लोग देख रखिए। और 19,000 निफ्टी का देखता है, निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर हो सकता है, इसका 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 जो लेवल्स आएगा इसका आप ट्रेंड में 9,400 के ऊपर 9,404 के ऊपर ऊपर जा सकता है, कितना लेवल में जा सकता है 9,460 तक, उसके बाद 9,500 तक, उसके बाद ये आप ट्रेंड में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जा सकता है 9,500 के ऊपर 9,800 तक भी जा सकता है, फिलहाल 9,600 तक जा सकता है, उसके बाद 9,800 तक भी जा सकता है। और नीचे का जो लेवल्स है इसमें 9,199 के नीचे मतलब 9,200 का नीचे मतलब पकड़ लिए 9,190 का नीचे ये 9,147 उसके बाद 9,087 उसके बाद ये नीचे जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन चेन ये थोड़ा सा वाइटल है, ऑप्शन चेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान से देखिए। ये मोस्टली मार्केट इसमें मार्केट का दिशा अच्छी तरह से पता करना कर सकता है, निफ्ट का पता नहीं ये जो नेट इतना प्रॉब्लम कर रहा है कितना दिखा सकूँगा आप लोग को। एनीवे तो इधर जो 9,500 में इसका देखिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है ये 9,500 में बना है, और इधर लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है जो सिग्निफिकेंट है इसका, लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है मतलब जो लोग लॉन्ग कर रहा था इधर 9,500 में, इधर जो लोग लॉन्ग कर रहा था इधर मतलब लॉन्ग मतलब ये लॉन्ग अनविंडिंग कर रहा है, ठीक है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। और इधर नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव चेंज इन प्राइस, ठीक है, इधर 9,700 का लेवल में 9,600 का लेवल में 10,000 का लेवल में सभी में ये 10,000 का लेवल में भी देखिए लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, ये लॉन्ग अनविंडिंग करने लगा रहा है, इधर 9,800 का लेवल में भी लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है 9,700 और इधर 9,600 का लेवल में भी शॉर्ट बिल्डअप है, तो ये इंडिकेट कर रहा। और अभी बाद में और भी बोलता हूँ, 9,400 का लेवल में इसका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इधर 9,500 का जो पुट साइड है इधर भी शॉर्टिंग हो रहा है, लेकिन कॉल का कॉल साइड का हिसाब से इसका कुछ भी नहीं, इधर शॉर्टिंग मतलब इधर लॉन्ग इधर भी लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है, लेकिन इधर जो ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड से बहुत ही कम है, ठीक है। उसके बाद आप लोग 9,500 का लेवल उसके बाद 9,400 का लेवल देख सकता है, इधर भी लॉन्ग बहुत ही सिग्निफिकेंट नहीं है ये कॉल सेट का दो में, और इधर जो शॉर्ट 46 आईवी जो है 46.32 और 38.28 पुट साइड में, तो इसका इसका जो शॉर्टिंग करने का जो रेट है तो इधर शॉर्टिंग करने का मतलब कॉल साइड में शॉर्टिंग होने का रेट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी इंडिकेट कर रहा है। और इधर इसका 9,200 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट तो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो 9,000 में है 9,000 का लेवल पे है, इसमें इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर 9,000 का लेवल सॉरी 9,100 का लेवल में भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और 9,200 का लेवल में भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो जो दोस्तों जो फिलहाल जो इंटरडे में जो होगा तो ये है 9,200 के नीचे आप लोग शॉर्ट कर सकता है, 9,200 के नीचे शॉर्टिंग हो सकता है और 9,400 का ऊपर आप लोग बाई कर सकता है, 9,400 का ऊपर बाई हो सकता है 9,500 का लेवल तक, ठीक है। और इधर 9,200 का नीचे 9,100 का लेवल तक आप लोग सेलिंग कर सकता है।
और इधर और भी आप लोगों को दिखाऊंगा, इधर जो सभी रजिस्टर्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट रजिस्टर्स, इसमें से पता चल जाएगा। सभी एक्सपायरी देख लेंगे, पार्टिकुलरली मंथ एंड का एक्सपायरी देखने से पता चलता है कितना एक्टिविटी लॉन्ग टर्म में चल रहा है। इधर 9500 में देखिए थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, इधर 9400 में इधर भी थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, ठीक है। 14 में एक्सपायरी का नेक्स्ट, इमीडिएट नेक्स्ट एक्सपायरी में, और इधर शॉर्टिंग जो हो रहा है 9000 में इसका शॉर्टिंग हो रहा है, और इधर कॉल साइड में इधर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। तो और इधर 14 में, उसके बाद 21 मई में देखता हूँ मेनली पट, और इधर भी 14 मई में ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, लेकिन इधर 9500 में, इधर 9800 में और 10000 में इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है, और इधर 9000 में इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, 9100 में भी सपोर्ट है, इधर 9000 में सपोर्ट है, और इधर 8500, उसके बाद 8000, 7500, ठीक है। और मैंने मेनली जो मंथ एंड का जो एक्सपायरी का है, मंथ एंड का जो एक्सपायरी है, इसमें क्या एक्टिविटी देखना पड़ेगा, इसमें पीसीआर रेशियो इसका 1 से ऊपर है, 1.6 जैसा है, तो इसका हो सकता है ये मतलब क्या बोलता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट डेट ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट डेट लेने का प्रोबेबिलिटी रन दिखा रहा है। और इधर 9500 में इसका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और 10000 में भी लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, तो और इधर 9300 में भी लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, और इधर 9200 और 9000 का लेवल में शॉर्टिंग दिखा रहा है, और इधर आई वी, इधर आई वी शॉर्टिंग का आई वी ज़्यादा होता है, इधर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ है कि 9200 या 9400 के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट अटर्न मतलब जो बोलता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, जो रीजन है, ये जो ये इसमें से एक्टिविटी ज़्यादा होगा 9200 का नीचे, 9100, उसके बाद 9100 का नीचे 9000 का लेवल तक ये आने का प्रोबेबिलिटी होता है, बनता है, और 9400 का ऊपर, ये 9500 का ऊपर जा सकता है, ठीक है। 9500 का ऊपर ये जा, 9500 तक ये जा सकता है, उसके बाद 9500, लेकिन ज़्यादा ड्रास्टिक मूवमेंट या ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट दिखने का अपना प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगा, 200-300 पॉइंट का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जो, क्योंकि मिक्सअप दिखा रहा है, कोई एक किसी एक दिशा में नहीं दिखा रहा है। अब लोग चार्ट में जो मैंने सपोर्ट डिस्टेंस दिखा, उसके बाद जो इधर ऑप्शन चेन में सपोर्ट डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, उसके बाद जो बाई सेल लेवल्स में दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, और रात में अलग सा फाइल से जो निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी कमोडिटी फिर सब एक साथ जब दिखाऊंगा, वो सब बाई सेल लेवल्स आप लोग नोट करके रखेंगे, तो आप लोगों को ट्रेड करने के लिए बहुत ही सुविधा होगा। इसके बाद देखिए इसका बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है, 1 से थोड़ा सा कम लगता है, और मैंने कैलकुलेट किया नहीं, इसका पीसीआर, उसका पीसीआर रेशियो 81 था, ठीक है। तो मतलब शॉर्ट टर्म में जो इमीडिएट निफ्टी का जो था, वो मैंने इमीडिएट जो कल या परसों में जो हो सकता है वो डाउन ही दिखा रहा है, तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा अब दिखा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने बोला कि बीच में रेंज बाउंड रहने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ड्रास्टिक वन साइडेड मूवमेंट ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इधर 19000 बैंक निफ्टी थोड़ा सा बिक रहा है, 20000 में इसका रेजिस्टेंस बना है, 20000 में इसका रेजिस्टेंस बना है, इधर भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है 19000, लेकिन 19000 में 19800 19700 का लेवल में इसका लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, और इधर इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 19000 में है, और इधर 19500 का लेवल इम्पोर्टेंट होगा, 19200 का लेवल इम्पोर्टेंट होगा, तो इधर 20000 के ऊपर ही लॉन्ग होना चाहिए, इधर 19700 का लेवल के ऊपर इसका जो है, इसका 19700 में, हाँ 19800 का ऊपर ये, 19800 का ऊपर जाएगा, 19800 का ऊपर ये जाएगा, तो थोड़ा सा जा सकता है 19900 के आसपास,
उसके बाद 19,000 20,000 20,000 के ऊपर ही बाई हो बाई करना ठीक रहेगा। 20,000 के ऊपर ही लॉन्ग होने का तब तक के लिए बेयरिश व्यू बना के चलना ठीक रहेगा। और इधर 19,500 के नीचे सेल हो सकता है, 20 और 19,200 का नीचे और भी अच्छा मूवमेंट होगा, और 19,000 के नीचे और भी ज़्यादा मतलब सेलिंग हो सकता है। तो इसका भी मैंने दो तीन एक्सपायरी, मैंने लास्ट एक्सपायरी देख लेता हूँ, मतलब मंथ एंड का एक्सपायरी, उसमें क्या एक्टिविटी चल रहा है देख रहा है देखता है। इधर भी वो लॉन्ग पोजीशन दिख रहा है और इधर से शॉर्ट पोजीशन दिख रहा है, तो लॉन्ग टर्म व्यू में थोड़ा सा लॉन्ग का लॉन्ग व्यू देख लेके चल रहा है। तो इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा ड्रास्टिक मूवमेंट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिक्स्ड व्यू दिखा रहा है। और इधर मैंने प्रोबेबिलिटी को दिखाता हूँ, प्रोबेबिलिटी को आप लोग को जल्दी से दिखा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी को क्या बता रहा है, हाँ प्रोबेबिलिटी देखिए, इधर 9,000 में मैंने इसका सपोर्ट पकड़ा, 9,500 में सपोर्ट पकड़ा, ये 9,000 मतलब इधर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है एक दिन का हिसाब से, ठीक है। और इधर लेकिन ये 19,000 में इसका अप ट्रेंड दिखा रहा है, इधर 19,000 में सपोर्ट और 20,000 में ये थोड़ा अप ट्रेंड दिखा रहा है, थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। और इधर लेकिन मैंने जो ऑप्शन चेन में बोला वही आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादातर इसमें भी आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। और इधर मैंने 360 एनालिसिस को देख लेता हूँ एक बार, 360 डिग्री एनालिसिस को, जो लॉन्ग टर्म का जो 360 डिग्री एनालिसिस है, तो इसमें देखिए 9,200 का नीचे ये 9,107 का आया है और 9,261 के ऊपर फिर से क्लोजिंग देगा। 9,294 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, 9,390 का लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, 9,390 का ऊपर ये 9,482 तक जा सकता है, उसके बाद 9,482 तोड़ेगा तो 9,508 और उसके बाद 9,576 9,676 9,764 और नीचे का लेवल 9,200 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद 9,107 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद 9,013 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद 8,900 8,825 ये सब लेवल आप लोग नोट करके रख सकता है, ये इसमें चलेगा। और इधर बैंक निफ्टी तो क्लोजिंग दिया है 694 मतलब इसका लेवल में क्लोजिंग दिया है, 871 का लेवल पर ऊपर आप लोग बाई ले सकते हैं, 19,943 20,145 20,000 ये सब लेवल, एक के बाद एक लेवल जब तोड़ेगा तो आप लोग पोजिशन ले सकता है। और इधर मतलब 540 के नीचे पोजिशन लेंगे तो 19,339 19,137 18,533 ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है इसका, इसका नीचे जाएगा तो और भी नीचे जा सकता है, 20,130 90 डिग्री का एंगल, उसके बाद 17,939 एक ही बात है। और एनीवे उसके बाद मैंने थोड़ा सा क्या बोलता है, अच्छा इसमें क्या रह गया, एनीवे इसका जो मैंने एक दिन का हिसाब से जो एक दिन का डाटा का वो उठा के जो जो बैंक निफ्टी का मतलब गान का स्ट्रेटेजी मैंने दिखाता हूँ, गान का लेवल्स, वो बाद में और भी गान का लेवल्स दिखाऊंगा। तो फिलहाल लेकिन जो ये जो 45 डिग्री मतलब 360 डिग्री एनालिसिस का जो होता है वो निकाल दिखाता हूँ, आप लोग फ्यूचर का में भी देख सकता है। ये देखिए 9,229 मतलब ये तो ऊपर क्लोजिंग दिया है, मतलब इसका बीच में है 9,343 के ऊपर बाई बन सकता है, ये इसके बाद क्या क्या टारगेट है ये आप लोग देख सकता है, ठीक है। इसका लेवल तक इसका आ सकता है, उसके बाद 9,229 का नीचे ये सेलिंग बनता है और इसका लेवल्स भी आप लोग देख सकता है, आप लोग इसमें गैप अप और गैप डाउन को भी कंसीडर कर ले सकता है। ये गैप डाउन ओपनिंग बहुत ही पॉसिबल है, गैप डाउन ओपनिंग, ये आप लोग तीनों साइकिल देख सकता है, एक के बाद एक लेवल आएगा तो इसका तीनों साइकिल आप लोग देख सकता है। उसके बाद थोड़ा सा आप लोग को लॉन्ग टर्म भी आप लोग को लेवल्स दिखा दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा आप लोग को लॉन्ग टर्म व्यू भी दिखा देता हूँ, लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये भी आप लोग, मैंने जस्ट देर हो वीडियो लंबा हो जा रहा है तो मैंने थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ। तो ये आप लोग जो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी आप लोग जो जो ग्रीन साइड में है R1 का R1 R2 दिखेगा वो आप लोग को 22 का साइड में दिखेगा, और जो इधर से देखेंगे इधर से देखिए ठीक है, इधर से देखिए इधर से जो मतलब ग्रीन साइड में ये बाई का लेवल्स है रेजिस्टेंसेस है, और जो रेड साइड में है ये सपोर्ट का लेवल्स है। मैंने थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ, ये ATR का बेस्ट लेवल्स है,
ये लॉन्ग टर्म का लेवल है, 8 ईयर बेस्ड लेवल्स है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड लेवल है, ठीक है। आप लोग ऊपर का हेडिंग भी नोट करेंगे और अच्छी तरह से वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे देखेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसका लॉन्ग टर्म और डाउन अप टर्म में ये देखिए डाउन दिखा रहा है, 15 डेज का हिसाब से डाउन दिखा रहा है, सॉरी ये 7 दिन के हिसाब से डाउन दिखा रहा है, 15 डेज का हिसाब से भी ना 15 डेज का हिसाब से भी डाउन दिखा रहा है अभी, कल या वर्सेस ये, और 30 डेज का हिसाब से भी डाउन दिखा रहा है, और 7 डेज का हिसाब से आप लोग को मतलब एक दिन का हिसाब से भी इधर से देख सकता है। एनी वे ओह इतना इधर से भी देखिए इधर डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है, इधर ट्रेंड डाउन दिखा रहा है। और इधर से और एक चीज़ जो आप लोग के साथ मतलब आप लोग को अटेंशन जो ड्रॉ करना चाहता हूँ तो वो है वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट क्या सिग्नल दे रहा है वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो देख एक्सजिक्स निफ्टी तो नेगेटिव है, बहुत ही नीचे है, तो एक गैप अप ओपनिंग पॉसिबल होता है, देखते हैं वो रात तक और कल सुबह जब ओपन होता है, ये ओपन होता है, ये ओपन होता है, रात तो ये 11:30 तक चलता है, ठीक है, तो देखना पड़ेगा इसका। लेकिन ये 9074 ये लो हो गया था, 9371 ऊपर गया था, लगता नहीं है इतना ऊपर फिर से ऊपर जाएगा, तो कल सुबह भी ऐसा 9100 का अभी 9100 का नीचे ही था, आ गया है थोड़ा सा 9100 का आसपास ही था, इसका आसपास ही था, 9100 का लेवल आया है, तो गैप डाउन ओपनिंग एक एंटिसिपेट कर सकता है, इसका भी देखा सही तो और भी देखा सही तो और भी देखा सकता था। लेकिन थोड़ा सा डोजोंस थोड़ा सा पॉजिटिव सी डैक्स ये सब मतलब ग्रीन दिखा रहा है, तो एक मिक्स सिग्नल दिखा रहा है मार्केट। और इसी का मैंने ऑलरेडी नोटिस किया है, तो इसी का मतलब ये है मार्केट में ट्रेंड डाउन जाएगा, लेकिन ज़्यादा डाउन या ज़्यादा अप में जाने का प्रोबेबिलिटी कुछ दिख नहीं रहा है, इसका रेंज बाउंड रहने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। नेट में प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग भी इसका साइट को देख ले सकता है, सभी इसका आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी वीडियो यदि ख़त्म करता हूँ मैंने, और मैंने बाय सेल लेवल्स दिखाऊंगा, तो जो वेब चैनल पे मैंने जो बाय सेल लेवल्स दिखाता हूँ, बाय लाइव डेमो दिखाता हूँ, वो आप लोग जरूर देखिए उसमें, और गन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और बाय सेल्स का एक्सेल शीट में जो थ्रू में जो दिखाता हूँ, और ओनली नॉट ओनली गन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसमें और भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, आप लोग सीखने के लिए मैंने ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन किया है, वो भाई आप लोग देख लीजिए। और जो मैंने आप लोग कॉल सर्विस भी ले सकता है, तो रात में आप लोग को बाय सेल लेवल का जो वीडियो दूंगा वो आप लोग